हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तन्वी की रसोई में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए चावल से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही चटपटा सा वड़ा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने सुबह के बचे हुए चावल ले लिए हैं, आप देख सकते हो। तो अब हम चावल को ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लेंगे। इस तरीके से सारे चावल को हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। तो आप देख सकते हो मैंने चावल डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद मिक्सी के जार का ढक्कन लगाएंगे और इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया इस तरीके से, आप देख सकते हो मैंने इसे महीन पीस लिया है। तो अब हम इसे अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरीके से इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो सारे चावल को मैंने पीस के अलग बर्तन में निकाल लिया है। तो इधर मैंने ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का आलू। मैंने कच्चा आलू कद्दूकस कर लिया था और अब हम आलू को इसमें डाल देंगे। ये कच्चा आलू है दोस्तों। तो अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। दो हरी मिर्च को मैंने बारीक से कट कर लिया है और बारीक कटी हुई हरी धनिया। और दो चम्मच बेसन डालेंगे इसमें। बेसन डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला थोड़ा सा, धनिया पाउडर और चाट मसाला और इन सब मसालों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन दोनों को डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करना है दोस्तों। और ध्यान रहे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो इसी तरीके से मिक्स कर लेना है दोस्तों। और अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए। तो ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से मैंने सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके बनाएंगे बड़े। तो इस तरीके से हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस तरीके से हम इसे लेंगे, गोल गोल करेंगे और बीच में थोड़ा सा उंगली से होल कर देंगे। इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से सारे बड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो इधर मैंने गैस पर रख दिया कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया तेल। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसी तरीके से हम सारे बड़े को डाल देंगे। एक एक करके सारे बड़े हम डाल देंगे इसमें। तो एक एक करके इसी तरह सारे बड़े हम डाल देंगे फ्राई होने के लिए। और ध्यान रहे इसे तुरंत से नहीं पलटना है दोस्तों, इसे थोड़ी देर इसी तरह से फ्राई होने दें, इसके बाद इसे पलटें। तो जितना जगह है उतना हम एक बार में फ्राई कर लेंगे। जितना एक बार में आए आप उतना ही डालें। तो इस तरीके से अब हम इसे पलट देंगे एक तरफ से। आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे पलट देंगे इसी तरीके से। अगर आप इसे तुरंत पलटेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसे पलट देंगे। और इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए हमें सारे बड़े को
फ्राई कर लेना है बिल्कुल क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से इन्हें फ्राई करना है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम उलटते पुलटते हुए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हो ये बड़े जो हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। और अब हम इन्हें निकालेंगे कढ़ाई से बाहर इस तरीके से, और इस तरीके से हम थोड़ा सा रोक के रखेंगे ताकि जो इनका एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में ही रह जाए। इसी तरीके से हम इन्हें निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर, और बाकी जो बचे हुए बड़े हैं उन्हें हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके हम इसी तरह से सारे बड़े को डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो एक एक करके इसी तरीके से हम सारे बड़े को डाल देंगे, जितना एक बार में आ जाए उतना हम डाल देंगे। तो अब हम इसे पलटेंगे, थोड़ी देर फ्राई होने के बाद इसे पलटना है दोस्तों, तुरंत से नहीं पलटना है। तो अब हम इसे इसी तरीके से पलट देंगे और इसे उलटते पुलटते हुए अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। और ध्यान रहे दोस्तों गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है इसे फ्राई करते वक्त। इसे फ्राई करने में लगभग 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। इसे बिल्कुल बढ़िया से फ्राई करना होता है दोस्तों, बिल्कुल अंदर तक, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो इसी तरीके से हम इसे उलटते पुलटते हुए अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप इसे किसी भी चटनी, सॉस या फिर आप इसे सांभर के साथ भी खा सकते हो। ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इन्हें निकालेंगे हम अलग प्लेट में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से फ्राई होकर तैयार हैं और बिल्कुल बढ़िया से क्रिस्पी हुए हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।